ये बाइक पूरी इंडिया में इकलौती बाइक है, इंडिया में इकलौती बाइक। तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख का सामान लगा ही हुआ है मैम। जो अब नई आ रही है वो 50 लाख के आसपास, मैं मानता हूँ ये कैडिलैक है। कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है भावना चौधरी और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफी हाई एंड लग्जरी बाइक्स। आज हमारे पास हार्ले से लेकर इंडियन तक कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं जो इंडिया में इकलौती हैं। एक एक करके सभी बाइक्स के डिटेल आपको बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि आज का वीडियो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन हाई एंड लग्जरी बाइक्स के बारे में क्रूजर प्लैनेट से बताएंगे हमें प्रणय। प्रणय सबसे पहले वेलकम है मेरे चैनल पर। थैंक यू मैम। और मुझे बताइए सबसे पहले इस हार्ले के बारे में, क्या यूएसपी है इस हार्ले की? मैम जैसा आप देख रहे हैं तीन बाइक्स खड़ी हमारे पास, ये रोड ग्लाइड, सीवियो स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल एंड रोड मास्टर। ये तीनों जो आ रही है ये आपकी टूरिंग कैटेगरी में आ रही है। आपने देखा होगा लोग लंबी लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं, लॉन्ग टूर जाते हैं, ये बाइक उनके लिए बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग विद दिस द फर्स्ट बाइक द शार्क फेस बाइक, इसका ये है हार्ले डेविडसन की हार्ले डेविडसन रोड ग्लाइड 107। अच्छा ये देखने में बहुत ज्यादा हैवी लग रही है, कितना वेट होगा इसका? मैम अगर इसमें नॉर्मल का तो ड्राई वेट देखें समवेयर अराउंड 450 के आसपास है। थोड़ी सी हैवी इसलिए है क्योंकि इसमें अगर टूर किट लगी हुई है पीछे, टूर किट आती नहीं है एक्सेसरीज इसमें लगा रखी है, एक्सेसरी के लिए इसमें बने टूर किट लगा रखी है। तो इसका भी अगर इसका मैं इंक्लूड करूँ वेट को समवेयर अराउंड 590-500 में इसका वेट होगा, बट दे लुक हैवी। Yeah, they look heavy, looking very heavy. But when you ride it, they are as you know lighter as you feel like you're riding a sofa. Okay, अच्छा इसका exhaust note sound एक बार सुना दो, क्योंकि इस तरह की bike का जो exhaust note sound होता है वो काफी ज़्यादा different होता है। अच्छा अब ये कौन सी year का model है? मैम ये आपका 16 model है, 2016 का model है, driven somewhere around 34,000 चली हुई है, single owner है, HR नंबर है। और इसमें अगर मैं कैलकुलेटिव वे में बोलूं ऊपर से बोलूं तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख का सामान लगा ही हुआ है। 4 से 5 लाख क्योंकि इसमें टूरिंग किट भी लगी हुई है, बेसिकली इसमें टूरिंग किट नहीं आती है, इसमें पीछे का डिब्बा है, ये डिटैचेबल है, ये निकाल सकते हो आप इसमें। अच्छा आप इसे निकाल के डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हो। और इसमें एडवांटेज क्या है क्योंकि इसका जो पैनियर आप देख सकते हैं, पैनियर है इसका, इसका पूरा कंसोल है आप देख सकते हैं, ये इससे अलग है बिल्कुल। नॉर्मल ज्यादातर चीजों में बाइक्स में क्या होता है पूरा एक इंक्लूड सेम होता है पीस, ये अलग अलग है। तो इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, जब आप कटिंग करते हैं ट्रैफिक में है या कभी आप यूटर्न कुछ भी टर्न भी लेते हैं तो आपको एक ज़्यादा रेडियस मिल जाता है घुमाने के लिए बाइक, तो ये कंफर्टेबल है। और ये लगता है कि लोग बोलते हैं कि हैवी होती है, कुछ नहीं होता, फीमेल चलाती हैं काफ़ी इसको, फीमेल बहुत चला सकती हैं, आप भी चला सकते हो आराम से इसको बैठ के। मुझे देखने में ये बहुत हैवी लगे, बट जब आपने बताया कि 400 समवेयर 450 केजी के अराउंड है तो लग रहा है कि हाँ मैं राइड कर सकते हैं। अच्छा ये वाली जो बाइक है ये शोरूम का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, मतलब आप इसका ये एरिया देखो, फ्रंट पैनल देखो, काफ़ी ज़्यादा वाइड है और मेरे को लगता है कि इस बाइक का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 50 लाख। मैम जो नई आ रही है वो 50 लाख के आसपास, जब ये आती थी दिस इज एन ओल्ड शेप, ये आपकी ओल्ड शेप रोड मास्टर है, ये आपका 16 का मॉडल है, 2016। हाँ जी, सेकंड ओनर है, गुजरात रजिस्टर्ड है, ड्रिवन समवेयर अराउंड 44,000 चली हुई है। ये उस टाइम पे तो समवेयर जो आती थी वो समवेयर अराउंड उसका तो प्राइस था वो था 42-43 लाख के बीच में आसपास प्राइस था। इसमें खासियत क्या है अगर मैं आपको बाकी बाइक से कंपेयर करूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, अगर लोग बोलते हैं ना कि वो रोल्स रॉयस है, आपकी रोल्स रॉयस है या बेंटले है, मैं मानता हूँ ये कैडिलैक है। इसका लुक्स, इसकी अपीयरेंस, इसकी रोड, इसकी जो बोलते हैं रोड प्रेजेंस क्लास अपार्ट है। लगी हुई है इसमें क्या है, ये टैन सीट्स वाली है, ये टैन सीट्स है, ये नॉर्मल से अलग कलर्स भी आते हैं, टैन सीट है इसमें जो कलर है ये। इसमें जो खासियत है जो इसमें जो लगा हुआ अच्छी चीज लगी हुई है स्टेज टू एग्जॉस्ट लगे हुए इंडियन के, मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो लुक आती है अलग ही दिखती है बाकी सबसे। बाइक के ये जो फेयरिंग लुक आ रहा है ना ये एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। इंडियन का क्या है, हार्ले से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है मेंटेनेंस, पर मैं मानता हूँ वर्थ है, क्योंकि इफ यू आर हैविंग समथिंग व्हिच इज क्लास अपार्ट ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। इट्स आल्सो लुकिंग गुड, बट या जब हम इसे देख रहे हैं तो एक क्लास इसमें दिखाई दे रही है इस बाइक की ऑलरेडी। अच्छा पंडे ये जो बाइक है जी मैम ये हार्ले की है डेफिनेटली,
अब ये जो बाइक है ये इसका जो पेंट है, इसका पेंट स्कीम, ये स्टॉक बाइक है और व्हाट, मतलब क्योंकि ये जो पेंट है ये ग्राफिक्स जो है काफी ज्यादा डिफरेंट है, हार्ली की बाइक पे मोस्टली हम नहीं देखते हैं इस तरह के। मैं पहले इस बाइक के बारे में बात करूँ तो मैं आपको ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ये बाइक पूरे इंडिया में इकलौती बाइक है। इंडिया में इकलौती जी मैम, पूरे इंडिया में इकलौती बाइक है और सिंगल पीस हमारे पास है। ओके, इसका नाम है स्ट्रीट ग्लाइड सीवीओ स्पेशल। ओके, ये 1110 है, आपकी एमएच नंबर है। अगर मैं इसकी डिटेल्स के बारे में जाऊँ तो दिस इज एमएच नंबर, सिंगल ओनर, ड्रिवन फॉर समवेयर ऑन 15,000 चली हुई है। इसमें ना कोई पेंट जॉब हो रखा है ना कोई एक्सीडेंटल है। ओके, ये बाइक स्टॉक है, जो छोटी मोटी सामान लगा। अच्छा, प्राइस अगर देखो कि जब हार्ली से सेल करती है तो अराउंड कितने प्राइस पे सेल करती है? मैम जो अब सीवीओ जो आ रही है, जो नॉर्मल सीवीओ आती है आपकी, जो टॉप एंड मॉडल है बाइक के अंदर, दैट इज समवेयर अराउंड 75 लाख रुपीज। 75 लाख, और हम भी इसे सेल कर रहे हैं यहाँ पर ऑफकोर्स क्रूजर प्लैनेट पे। जी मैम, तो प्राइस के लिए स्क्रीन पर नंबर आपको मैम जो भी प्राइस है वी कैन नॉट डिस्क्लोज, बट यस अवेलेबल है आप, और काफी अच्छी खासी प्राइस पर अवेलेबल है। और कहीं से भी लग नहीं रही, प्लस ये जो कंसोल आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा ही अट्रैक्टिव कंसोल है इसका। इसमें फ्यूल को ज्यादा है, फ्यूल गॉज ज्यादा है, स्पीडोमीटर है, आपका आरपीएम मीटर है, वोल्टेज मीटर है, ये छोटी सी आपको स्क्रीन मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है। बाकी इसमें बीइंग अ टूरर बाइक, इसमें आपको सारी वो चीज़ें मिलती है जो एक टूरिंग पर्पज़ के लिए पूरी होती है, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, नेविगेशन हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया आपका, और ये पूरी बाइक मेंटेन्ड है। तभी इसको जो हमने बहुत ही संभाल, क्योंकि बेसिकली ये बाइक हमने खुद के लिए परचेज करी राइड्स करने के लिए, बट ये बाइक अवेलेबल है एट द मोमेंट, अच्छे प्राइस पे है, और आप देख सकते हैं सीवी यूनिट कस्टम व्हीकल ऑपरेशन। मतलब ये बाइक इंडिया में इकलौती है फटेंगा कहना है, और ये क्रूजर प्लैनेट पे अवेलेबल है, अच्छी खासी प्राइस पर अवेलेबल है। ऑल्सो अगर लोगों को टेस्ट राइड करनी है तो बाइंग दे कैन ऑल्सो डू यस मैम, टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है, सभी बाइक्स वर्किंग और ऑपरेशनल है, सारी बाइक्स ऑपरेशनल है, सारी बाइक्स की टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है। कुछ लोगों जिनको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डाउन पेमेंट है, सब कुछ अवेलेबल है आपका। अच्छा, ये तीन बाइक जो हमने आपको दिखाई हैं, ये शोरूम की मैं जान कह सकती हूँ इन बाइक्स को, क्योंकि सबसे हाई एंड लग्जरी बाइक्स थी तीनों। तो अपने आजकल जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है या और भी लोग हैं, ज्यादातर स्पोर्ट्स टूरर बाइक को पसंद कर रहे हैं, तो आपके पास शोरूम पर अभी स्पोर्ट्स टूरर बाइक अवेलेबल है? अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी है, एक नहीं काफी सारी अवेलेबल है, हम कह सकते हैं। ये है कावासाकी निंजा 1000 खड़ी है मेरे पास, दोनों ये तीनों, ये न्यू शेप भी है, ओल्ड शेप भी है। ओके, जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये आपका 19 मॉडल है, 2000, हाँ, ये पंजाब नंबर है। डिटेल्स की बात पहले बाद में करेंगे, पहले मैं बता दूं ये दोनों खड़े हैं, ये आपके एसएक्स हैं, ये लेटेस्ट मॉडल हैं, 21 मॉडल्स हैं, ये जो न्यू शेप आई थी अभी ये वो अवेलेबल है। हालांकि अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है बाइक, लास्ट ईयर डिसकंटिन्यू हुई है, पर इसकी बाइक में अभी भी स्टिल दे आर इन डिमांड। बहुत कंफर्टेबल इनलाइन फोर में सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स हैं, इसमें आप स्पोर्ट्स की फीलिंग भी लेते हैं और टूरिंग भी पर्पस आराम से कर लेते हैं, बहुत कंफर्टेबल होती है। जैसे कि आप, मैं शुरू करता हूँ, ये आपका 1000 SX है, कावासाकी निंजा 1000 SX, ये आपका 21 का मॉडल है। ओके, और इसमें भी अगर आप देखें तो इनलाइन फोर सिलेंडर है, कंफर्टेबल है, इसमें आपकी जॉस भी लगा हुआ है, आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ है एरो का, और काफी लोडेड है, इसमें आपके क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, फोन माउंट लगा हुआ है, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी यूज की गई है बाइक में, और अट्रैक्टिव भी है, बहुत कंफर्टेबल है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल इनलाइन फोर सिलेंडर बाइक्स ये है। Okay. आप इसके अगर आपकी आवाज सुनाऊंगा, आवाज भी अच्छी आती है इसकी, बहुत स्मूथ आवाज है, एग्जॉस्ट नॉट साउंड ही सुन लेते हैं, क्योंकि हम इंडियंस को एग्जॉस्ट नॉट साउंड जो है वो काफी ज्यादा पसंद होती है। ये जो बाइक आपने दिखाई है तीनों स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स हैं, ये एसएक्स मॉडल है और ये है आपका 1000, तीनों 1000 है, तो डिफरेंस क्या है, मतलब अगर किसी को परचेज करनी है तो आपके हिसाब से डिफरेंस दोनों बाइक्स में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी बाइक के साथ जाना चाहिए अगर आप एक स्पोर्ट्स टूरर परफेक्ट बाइक परचेज करना चाहते हैं? मैम देखिए, अगर आप एज अ ओवरऑल देखिए तो तीनों बाइक सेम है, ठीक है, जस्ट दैट ये पुराना मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है। ओके, इन्होंने ये दोनों 21 मॉडल है, 2021 SX जो आ गया था, लॉन्च हो गया था, SX मॉडल है ये आपका ओल्ड शेप है, ये ओल्ड शेप है। ओके, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो थोड़ी बहुत लुक्स में और डिफरेंस है जो उसमें देख सकते हैं, हाइट में
डिस्क थोड़ी बहुत चेंज कर दिया है डिजाइन, थोड़ा बहुत डिस्क चेंज कर, थोड़ा बहुत मिनिमम चेंजेस कर दिए हैं, ऑल्दो पावर सब कुछ सेम है। अच्छा, पावर जो दोनों बाइक की सेम है। ये है आपकी BS6 से कंप्लायंस कर दी है इसमें। okay. आपकी थोड़ी जो रॉ पावर कम कर दी है। इसके बाद करो तो इसमें रॉ पावर जो थी पहले, रॉ पावर अगर मैं बाकी लुक में चेंज करूँ उसमें आपकी उसमें ये इंस्ट्रूमेंट में जाऊँ चेंज करने के, तो आपको देख सकते हैं इसमें आपका TFT स्क्रीन आ गई है। पहले में एनालॉग आता था, क्रूज कंट्रोल आ गया इसमें आपका। पहले ओल्ड शेप में आपके दो आते थे एग्जॉस्ट, 4:2 था, अब इन्होंने 4:1 कर दिया। अगर मैं एक करके बात करता हूँ, पहले इस बात ओल्ड शेप है, ये आपका 19 मॉडल है, पंजाब नंबर, सिंगल ओनर, ड्रिवन समवेयर अराउंड 14,000 चली, 14,000 चली हुई है। इसमें एक्सेसरीज की बात करूं तो इसमें आपके क्रैश गार्ड लगे हुए हैं और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसका जो प्राइस हम कोट कर रहे हैं समवेयर अराउंड यार आपकी 9 लाख रुपीस, जो भी ऑब्वियसली न्यू जो है उसका न्यू का अब तो बंद हो गई है, एसेट जब बंद हुई थी, पर जब ये लॉन्च हुई थी समवेयर अराउंड जो लास्ट बंद हुई थी ये 14 के आसपास पड़ती थी, 14 स्टॉक बाइक, स्टॉक बाइक। अब मैं अगर मैं नाउ कमिंग टू द एसएक्स, दो मॉडल खड़े हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, दिस इज 20 मैन्युफैक्चरर, 21 रजिस्टर्ड। ओके, ये आपका दिल्ली नंबर है, सेकंड ओनर है। ओके, ये इसमें आपका सामान, आपके ये स्पूल्स लगे हुए हैं, फोपेटर लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड लगा हुआ है आपका। okay. और आपका इसमें टैंक पैड लगा हुआ है। ठीक है, एग्जॉस्ट स्टॉक है इसका। okay. मैं आपको एग्जॉस्ट की स्टॉक की बात सुना देता हूँ, इंडियन 4 की जो होती है, जो उसकी USP आज जो है इसकी अट्रैक्टिव। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये आपका 21 मैन्युफैक्चर, 22 रजिस्टर्ड है, यूके नंबर है, उत्तराखंड का नंबर है, ड्रिवन समवेयर अराउंड 19,000 चली है, 19,000 कब भी सर्विस रिकॉर्ड, रिसेंट सर्विस भी हो रखी है इसकी। और इसमें आपके थोड़े ज्यादा सामान लगे हुए, जैसे कि क्रैश गार्ड लगा हुआ है, फोन माउंट लगा हुआ है, मतलब हर बाइक में आपको एक्सेसरीज तो कुछ इंक्लूडेड। यस मैम, और इसका स्टॉक एग्जॉस्ट भी अवेलेबल है। अब इसमें फुल सिस्टम एरो लगा हुआ है, आपको मैं इसकी आवाज सुना देता हूँ। इसकी जो हमने प्राइसिंग रखी है उत्तराखंड सेकंड ओनर की, इसकी हमने रखी है 11.5। अच्छा, ये अपने जब भी कोई बाइक परचेज करता है, सब गुड़गांव से कर रहा है, गुड़गांव की बाइक नहीं है, दिल्ली की बाइक है, तो नंबर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो आप लोग कैसे करते हैं? मैम, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट की, फॉर एग्जाम्पल, ये बाइक आपकी उत्तराखंड की है, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हैं, आप पे ऑब्वियसली उत्तराखंड का नंबर नहीं होगा, तो इसको हम लोग केयर ऑफ मोड में करवाते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी की आईडी पे, आपकी के नंबर पे, ये आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें और दूसरा ऑप्शन ये होता है एनओसी, आपको उत्तराखंड से एनओसी निकलवा देंगे आपकी, आपको दिल्ली में इसको फिर रोड टैक्स देकर आपको रजिस्टर करवाना, मतलब ये पूरा प्रोसेस आप लोग मैनेज करते हैं। फीस के अलावा, फीस तो फीस आपकी अलग एक्सक्लूडिंग होती है, बस जो भी काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है एक्सक्लूशन करने की। अच्छा पंडे, स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट में एक लेवल हाई चाहिए हमें, तो हमारे पास ये दो हायाबुसा मैं देख पा रही हूँ, एंड आई थिंक ये जेन 2 है और ये जेन 3 yes, है। ये कितने किलोमीटर चले हुए हैं और क्या प्राइस पर हम इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैम, ये जेन 2 है आपकी। इसकी मैं डिटेल्स की बात करूँ तो आपका ये 19 मैन्युफैक्चर, 19 रजिस्टर्ड है, सेकंड ओनर है, ड्रिवन समवेयर अराउंड 9,000 चली हुई है, यूपी नंबर है, यूपी नंबर है। इसमें आपका एक्सेसरीज में बात करूँ तो आपका क्रैश गार्ड लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, काउल लगा हुआ है, और थोड़ी बहुत छोटी भी चीज अच्छी लगी, चीज लगी ये जो मांग। और फिर मैं कमिंग टू जेन 3, ये आपका 21 मॉडल है, 2021 मॉडल, ये तो चलिए 5,000 किलोमीटर, ओनली 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर सिर्फ ये बाइक चली हुई है, सिंगल ओनर है, HR नंबर है। शौक काफी बड़ी चीज है, लोग 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी बाइक दे जाते हैं। मैम, और बाकी बूसा की आपको पता ही डिमांड है कितनी, ये जेन 3 और जेन 2 की अट्रैक्टिव है, मार्केट डिमांड है, और हम पे जो है ये पूरी सर्विस हिस्ट्री के साथ है, नॉन एक्सीडेंटल है, नॉन पेटेंट जॉब है, 5,000 चली हुई, जेन्युइन चली हुई, और बहुत अच्छे प्राइस में है हमारे पास अवेलेबल। यहाँ पर आपको सारी हाई एंड लग्जरी बाइक्स मिलने वाली है,
ना सिर्फ हायर एंड लग्जरी बाइक से बल्कि इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो डेली लाइफ में हम लोग ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे हार्ली डेविडसन यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रायम्फ की ट्रायरन है, डुकाटी की स्क्रैम्बलर है, यहाँ पर आपको मिल जाती है हायाबुसा जेन 2 और जेन 3। साथ ही साथ ये वाला जो आप पूरा रॉ देख रहे हैं ये आपकी स्ट्रीट टूरर बाइक्स हैं, एंड ये एसएक्स रेंजा एसएक्स और रेंजा नॉर्मल वाली यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये तीन बाइक्स ये शोरूम की जान है, तीन बाइक्स। और इसमें से जो ये बाइक आप देख रहे हैं हार्ले, ये इंडिया की इकलौती बाइक है जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रूजर प्लैनेट पे मिलेगी। ये यहाँ पर बीएमडब्ल्यू का भी ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देखेंगे जितनी भी बाइक्स हैं ये सभी एडवेंचर बाइक है। और एक और बहुत कमाल की चीज दिखाती हूँ, ये है 14 लाख रुपए की बीएमडब्ल्यू की स्कूटी। तो क्रूजर प्लैनेट पे आपको ऑप्शन सारे मिलने वाले हैं। सो हमने इस वीडियो में जितनी भी बाइक्स दिखाई है स्क्रीन पर पढ़ने का नंबर मेंशन है, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो फॉर द टेस्ट राइड। ऑल्सो अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए पढ़ने, एक बार फाइनेंस के ऑप्शन भी आप बता दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है। मैम फाइनेंस अवेलेबल है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 8% फ्लैट है। ओके। और इसमें आपकी 30% डाउन पेमेंट होती है। इट्स कैन बी फाइनेंस्ड। यस, कैन बी फाइनेंस। और एड्रेस व्यूअर्स को एक बार बता दो। हमारा एड्रेस है E27 नारायणा विहार। अगर आप क्रूजर्स प्लैनेट नारायणा भी डालेंगे गूगल मैप पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। जस्ट आपका सिट्रॉन के शोरूम के ऑपोजिट है हमारा पड़ता है। सो अगर आपको कोई भी हाई एंड लग्जरी बाइक चाहिए, आपको स्ट्रीट टूरर बाइक चाहिए या फिर आपको एडवेंचर चाहिए तो यहाँ पर क्रूजर प्लैनेट पे आपको सारी बाइक्स अवेलेबल है। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी बाइक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।